जेरूसलम का पूरा इतिहास शुरू से अब तक मुस्लिम, यहूदी या ईसाई, असल में किसका है 28,050 किलोमीटर का पूरा इलाका। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध ने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय जर्मनी के मुखिया एडोल्फ हिटलर ने एंटी सेमिटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया। जर्मनी में गैस चैम्बर लगाकर यहूदियों को मारा गया। इसके बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलिस्तीन के दो हिस्से किए जाएं, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए और दूसरा मुस्लिमों को। लोगों को लगता है कि इसराइल 1948 में बनने वाला नया देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जितना प्राचीन यहूदी धर्म है, उतना ही पुराना इसराइल भी है। यहूदी धर्म का इतिहास करीब 3,000 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत यरूशलम शहर से होती है, और यही शहर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म की पवित्र जगहों में से एक है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। पैगंबर अब्राहम को मुस्लिम और ईसाई दोनों ही धर्मों के लोग ईश्वर का दूत मानते हैं। पैगंबर अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक था और उनके एक पोते का नाम याकूब था, जिसे जैकब के नाम से भी जाना जाता है। याकूब का दूसरा नाम इसराइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने अलग अलग यहूदी कबीले बनाए और याकूब ने इन कबीलों को इकट्ठा करके इसराइल नाम का एक राज्य बनाया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिस वजह से उसके वंशों को यहूदी कहा जाने लगा। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनक है। उस समय वो लोग यरूशलम शहर और यहूदा के इलाके में रहते थे, यानी आज से करीब 2200 साल पहले यहूदी राज्य अस्तित्व में आया था, जिसमें साउल, इसबाल, डेविड, सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। लेकिन सोलोमन के बाद एक राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा और संयुक्त इसराइल दो हिस्सों में बंटकर इसराइल और यहूदा के बीच में बट गया। अभी तक याकूब के बेटे द्वारा बनाए गए 12 कबीले थे, लेकिन इन पर असीरियन साम्राज्य ने यरूशलम शहर पर हमला किया और यहूदियों के 12 कबीले तितर बितर हो गए। इसके बाद साल 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस हमले में यहूदियों के किंग डेविड मंदिर को भी तोड़ा गया और सिर्फ मंदिर की एक ही दीवार बची थी। यहूदी आज भी इस दीवार को सबसे पवित्र तीर्थ मानते हैं। इसे आज वेस्टर्न वॉल कहा जाता है और यहाँ पर सारे यहूदी माथा टेकते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। इसी हमले की घटना को एक्सोडस कहा जाता है। ये घटना यहूदियों के लिए काफी अहम है। इस वेस्टर्न वॉल के पास ही मुस्लिमों की पवित्र अलस्का मस्जिद है और ईसा मसीह को सूले पर टांगने वाली जगह है, वो भी यही है। यहूदी दुनिया में अलग अलग जगहों पर फैल गए। जी हाँ, जब यहूदी दुनिया में अलग अलग जगहों पर फैलने लगे तो एक नया शब्द अस्तित्व में आया, जिसे एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग, यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि वो दुनिया की सबसे चालाक कौम है और वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। एक्सोडस की घटना के बाद ज्यादा यहूदी यूरोप और अमेरिका में बस गए। एंटी सेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करके रखनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेना में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाकर रखना होता था। इस सितारे को डेविड का सितारा कहा जाता है और इसी से यहूदियों की पहचान की जाती थी। यहूदियों को अपनी पहचान छिपाने और गलत बताने पर सजा का प्रावधान रखा गया था। ये सब थियोडोर हर्ज़ल के जमाने तक चला। थियोडोर हर्ज़ल की इसराइल में वही मान्यता है जो भारत में महात्मा गांधी की है। थियोडोर हर्ज़ल 2 मई 1860 में पैदा हुए थे। वो वियनामा में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन एंटी सेमिटिज्म के चलते इनको वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और यहाँ पर उन्होंने पत्रकारिता करना शुरू किया। 1890 के दशक में फ्रांस रूस से एक युद्ध हार गया। फ्रांस ने इस युद्ध में हार की जांच रिपोर्ट में एक यहूदी अफसर अल्फत ड्रेफल पर डाल दी। इस कारण थियोडोर हर्ज़ल ने ये स्टोरी कवर की। एंटी सेमिटिज्म के चलते एक बहुत बड़े उदाहरण के बाद हर्ज़ल ने तय किया कि वो सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक नया देश बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1857 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस एक संस्था बनाई। जायोनिस्ट को हिब्रू भाषा में स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर के यहूदी चंदा देने लगे। इसके बैनर तले दुनिया के सभी यहूदी इकट्ठा होने लगे और अब इसे हर साल सम्मेलन की तरह मनाया जाता है। लेकिन साल 1904 में थियोडोर हर्ज़ल की दिल की बीमारी के चलते मौत हो गई। लेकिन तब तक वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस का प्रभाव दुनिया भर के यहूदियों के बीच हो गया था। ब्रिटेन और यहूदी के बीच
बाल्फोर समझौता। प्रथम विश्व युद्ध से पहले आज के तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य फैला हुआ था। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध के दौरान 2 नवंबर 1917 के दिन ब्रिटेन और यहूदी लोगों के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। इसके मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो यहूदी लोगों को फिलिस्तीन इलाके में एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। इस समझौते के बाद दुनिया के दूसरे देशों में यहूदी यरूशलम की तरफ तेजी से पलायन करने लगे। ज़ायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर ब्रिटेन अपना वादा पूरा करेगा तो फिलिस्तीन में उस समय यहूदियों की एक बड़ी आबादी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो अलग अलग जगह गिनाकर बाल्फोर समझौते को लागू करने से बचते रहे। ऐसा ही कुछ अंग्रेजों ने भारत के साथ किया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे तो भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के 20 साल बाद भी ये बाल्फोर समझौता लागू नहीं हो सका और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध ने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय जर्मनी के मुखिया एडोल्फ हिटलर ने एंटी सेमोटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया और 60 लाख यहूदियों को मार डाला। जर्मनी में गैस चैम्बर लगाकर यहूदियों को मारा गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब ये बात पूरी दुनिया को पता चली तो सभी की संवेदना यहूदियों के साथ जुड़ गई। इसीलिए साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की सालों पुरानी मांग को पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए जाएं, जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए, दूसरा मुस्लिमों को दिया जाए। इसके साथ ही यरूशलम शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्म के धर्मस्थल हैं। यहूदियों को ये योजना पसंद आ गई, लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए। कभी फिलिस्तीन पूरा ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी और 1947 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को भी आजाद कर दिया। अब फिलिस्तीन 2 भागों में बट गया था। फिलिस्तीन के चारों तरफ अरब देश जॉर्डन, सीरिया और मिस्र था। इन देशों ने भी इस बंटवारे को मुस्लिमों के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कभी भी यहूदियों पर अत्याचार नहीं किया। यहूदियों पर हुए अत्याचारों के लिए यूरोपीय देश और ईसाई जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर यहूदियों को अलग देश देना है तो उनको यूरोप में दिया जाना चाहिए, ना कि अरब में। इसी बंटवारे के साथ इसराइल फिलिस्तीन विवाद शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। इसराइल को साल 1948 में मान्यता दे दी गई, लेकिन फिलिस्तीन आज तक कोई देश नहीं बन सका। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध के बाद इसराइल ने यरूशलम के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी किया। यहाँ पर उसने एक दीवार बनाई और ये दीवार यरूशलम शहर को फिलिस्तीन से अलग करती है। 4 महीने के अंदर आए 50,000 यहूदी। नया देश बनते ही इसराइल ने यहूदियों को यहाँ पर आने और नागरिकता हासिल करने को कहा, जिसके मद्देनजर 4 महीने के अंदर ही यहाँ पर 50,000 यहूदी आ गए। इसमें से ज्यादातर वो थे जो हिटलर के नाजी यातना शिविर से बच गए थे। लेकिन साल 1951 के अंत तक कुल 6,87,000 यहूदी आए। अरब देशों से भी शरणार्थी आए, जो तकरीबन 3 लाख थे। इसके बाद अमेरिकी मदद, यहूदियों से मिले दान और जर्मनी से मिले मुआवजे के साथ यहूदियों ने कड़ी मेहनत करके इसराइल को आज दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।